Good morning, students. Welcome to another session of the class that is called the living world. और अभी तक इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि किसको लिविंग बोलेंगे और किसको नॉन लिविंग बोलेंगे, यानी किस किस क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर सकते हैं, किसको लिविंग बोल सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कुछ पॉइंट्स को कि जैसे रिप्रोडक्शन अगर जो कर रहा है तो वो उसको लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग बोलेंगे। तो उसमें हम लोग ने ये बात बोला था कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि स्टेराइल रहते हैं, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दे आर नॉन लिविंग। ठीक है, तो इसका मतलब कि रिप्रोडक्शन इज अ नॉट ए नेसेसरी क्राइटेरिया और द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने बात किया था कि मेटाबोलिज्म, तो मेटाबोलिज्म में यह बोला था कि जो लिविंग है सिर्फ वही आपको क्या कर सकता है, मेटाबॉलिज्म शो कर सकता है। और इसीलिए हम लोग बोले थे कि दिस मेटाबॉलिज्म इज ए एसेंशियल और वी कैन से दैट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में दैट इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी की बात करेंगे, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझिए डाइवर्सिटी क्या होता है। तो क्या देखते हैं अपने आसपास के एरिया में, एनवायरनमेंट में क्या देखते हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देख रहे हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई हर्ब्स है, कोई श्रब्स है, किसी में फ्लावरिंग हो रही है, किसी में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कोई मोनोसियस है, कोई डायोसियस है, इस टाइप का देख रहे हैं। उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं, एनिमल्स देख रहे हैं, एनिमल्स में डिफरेंट स्पीशीज देख रहे हैं, डॉग हो गया, कैट हो गया, बफेलो हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, इन सब तमाम डिफरेंट टाइप के स्पीशीज देखने को मिल रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर और द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, That is called the diversity. ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि diversity का मतलब क्या बोल रहे हैं, diversity का मतलब हुआ number and type of organism present on earth is called the diversity. क्योंकि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, या आइदर प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, तो इसको हम लोग और रेफर करते हैं, दिस डाइवर्सिटी रेफर्स टू एज बायोडाइवर्सिटी। क्यों इसको बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं, तो यहां पर हम लोग बायोलॉजिकल स्पीसीज की बात करेंगे, आइदर प्लांट्स, आइदर माइक्रोब्स, आइदर एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, या डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स पाए जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको डायवर्सिटी ना बोलकर बायोडाइवर्सिटी अगर बोलेंगे देन इट विल बी द बेटर टर्म टू डिफाइन द डायवर्सिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ स्पीसीज की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज, तो हम लोग हमारे अर्थ के ऊपर अभी तक जो नोन है वो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज पाए जाते हैं अभी तक जो नोन है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें इस स्पीशीज में, इतने तो हम लोग को नोन है लेकिन इससे ज्यादा पाए जाते हैं, और हर डे लगभग 24 स्पीशीज लॉस हो रहे हैं। उसके लिए बहुत तमाम फैक्टर्स हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, मतलब मैन मेड फैक्टर्स हैं, फिर कुछ या तो फायर अचानक से लग जाना जंगल में, तो इस तरीके से डिफरेंट सारे स्पीसीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड लगभग 24 स्पीसीज डेथ हो रहे हैं, लॉस हो रहा है पर डे। बट वहीं पर जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो बॉटनिस्ट हैं, वो नए नए स्पीसीज को ढूंढते भी रहते हैं, इसीलिए अभी तक क्या रिपोर्टेड है दैट इज 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो कि अभी तक जिसके बारे में हम लोग पूरे फैक्ट के साथ जानते हैं, अभी भी जो अननोन है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ठीक है,
तो डायवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, या नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द डायवर्सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर इतने तमाम डिफरेंट स्पीसीज अगर पाए जा रहे हैं, तमाम डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, तो उसको याद रखने के लिए, उसको समझने के लिए उसका नामकरण करना जरूरी है, मतलब नोमेनक्लेचर करना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज ए नीड टू स्टैंडराइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उसका नोमेनक्लेचर, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका नोमेनक्लेचर करना जरूरी है, नाम देना जरूरी है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर बोलते हैं, उसका नामकरण करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर पेड़ है, लेट सपोज ट्री है, ट्री में अब सिर्फ ट्री की बात करें तो उसमें हम लोग मैंगो ट्री भी आ जाएगा, पपाया ट्री भी आ जाएगा, उसमें गुआवा ट्री भी आ जाएगा, उसमें जैक फ्रूट भी आ जाएगा, तमाम डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज आ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ हम बोले मैंगो, तो सिर्फ मैंगो ट्री के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। इसीलिए क्या किए कि कॉमनली अगर उसको कॉमन से अलग करना है तो उसको नेमिंग करना जरूरी है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग उस ऑर्गेनिज्म के सारे प्रॉपर्टी को जान लें, उसको पहले आइडेंटिफाई कर लें, तब जाकर हम लोग किसी को नोमेनक्लेट कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। जैसे मान ली कि आपको एक स्पीसीज कुछ मिला, अब क्या देखें उसमें क्या है कि ग्रीन लीफ है, ठीक है, उसमें फ्रूट लग रहे हैं, ग्रीन लीफ है, मतलब ये कैसा दिख रहा है, पहले कभी पढ़े हैं कि अच्छा प्लांट्स भी ग्रीन टाइप का दिखता है, तो हम लोग उस चीज को क्या कहेंगे कि ये प्लांट से रिलेटेड कुछ है, ये इसके पास अपना ग्रीन कलर का लीफ है, मतलब अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो मतलब कि ये प्लांट के कैटेगरी में आएगा, मतलब कि अब उसको क्या कर दिए, एनिमल से हटाकर सिर्फ क्या कर दिए, प्लांट्स के कैटेगरी में रखे। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसा है, रूट कैसा है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, तब हम लोग डिफाइन करेंगे कि आइदर दिस प्लांट्स इज आइदर ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म, इस तरीके से क्या करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, मतलब नामकरण तभी करेंगे जब उसके हर एक पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कि नोमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन क्या चीज, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ये बेस्ड है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे तभी जाकर किसी को हम लोग नोमेनक्लेट करेंगे। अब राइट नाउ ये तमाम दुनिया में तमाम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है जिसको देखता है, जैसे अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नामकरण करने की परमिशन है, जो नामकरण किया जा सकता है उसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इस कैटेगरी में हम लोग सिर्फ बॉटनी से रिलेटेड, मतलब प्लांट से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो एक 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 पॉइंट है आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, क्या चीज कि साइंटिफिक नेम्स एंड क्राइटेरिया करके है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि ICBN का मतलब क्या हुआ, ICBN का मतलब हुआ इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक इसी तरीके से अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के लिए हम लोग को पास क्या है, इंटरनेशनल बॉडी, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर, दैट इज जेड फॉर जूलॉजिकल, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये एनिमल्स के लिए हो गए। अगर यही बात करें हम लोग कि बैक्टीरिया या वायरस के लिए, ये आपके शायद एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, बट इसके बारे में नीट में पूछा गया है, इसलिए इसके बारे में भी देख लीजिए। तो क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर क्या चीज, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया,
इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के बारे में नामकरण करने के लिए ये बॉडी प्रेजेंट है। ठीक उसी तरीके से वायरस के बारे में भी है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर, वायरस को नामकरण करने के लिए नाम देने के लिए जो बॉडी प्रेजेंट है ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर। तो अब बात आती है नोमेनक्लेचर की, जो बात बोल रहे हैं नाम दे रहे हैं, तो ये प्रथा कब चली और ये नोमेनक्लेचर किसने पहले दिया। जो सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट थे नोमेनक्लेचर, दैट वाज कैरोलस लिनियस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है, अच्छा ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये भी बात करेंगे कि दिस नेम फॉर द लिनियस इज नॉट ए रियल नेम, ये इनका रियल नेम नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी प्लांट्स को जो नाम देने के लिए सबसे पहले स्टार्ट किए लिनियस साहब ने, कैरोलस लिनियस ने स्टार्ट किया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले किसी ने नहीं किया, इसके पहले भी किए, लेकिन ये कैरोलस लिनियस ने सभी प्लांट्स को या सभी एनिमल्स को जो आइडेंटिफाई उन्होंने किया उसको उन्होंने बुक के फॉर्म में यानी रिटन फॉर्म में लिखा, और रिटन फॉर्म में लिख कर कहीं प्रेजेंट किया, तो वो जो पार्ट हुआ दैट वाज ऑथेंटिकेट, वो ऑथेंटिकेट कर दिया गया कि हाँ भाई ये सही बात लिखा गया। इसके पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिर्फ ओरली बोला करते थे कि हाँ ठीक है ये प्लांट है, ये एनिमल है, जो चल सकता है वो एनिमल है, जो नहीं चल सकता वो प्लांट है, लेकिन वो उन्होंने कहीं पर लिखा नहीं था। ठीक है, इसीलिए हम लोग यही फॉलो करते हैं कि जो नोमेनक्लेचर जो है वो कैरोलस लिनियस के थ्रू दिया गया। तो कैरोलस लिनियस ने किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब नेमिंग किया तो उन्होंने दो टर्म, दो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया, और इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बाई मतलब क्या हो गया, टू, नोमियल मतलब नेम हो जाएगा, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो नामों से जानेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नोमेनक्लेचर के अंदर में टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, टू कंपोनेंट्स, कौन कौन सा हो गया, एक कंपोनेंट्स हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेरिक नेम बोलते हैं, जेनेरिक नेम, और दूसरे को बोलते हैं स्पेसिस एपिथेट बोलते हैं, या स्पेसिफिक, इसको स्पेसिस या स्पेसिफिक एपिथेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि दो टाइप का नाम उसमें लिखा हुआ, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लें, एज फॉर एग्जाम्पल की, तो हम लोग जैसे मान लेके हम लोग बात कर लेते हैं मैंजी फेरा इंडिका, मैंजी फेरा इंडिका। अब ये नाम किसका है, तो मैंजी फेरा इंडिका नाम है मैंगो का, मैंगो का। तो इसमें क्या देख रहे हैं, दो नाम है, एक मैंजी फेरा और एक इंडिका, तो एक हमारा हो जाएगा जेनरिक नेम और दूसरा हो जाएगा स्पेसिफिक नेम हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग और आगे डिस्कशन करेंगे, अभी बहुत सारा डिस्कशन करना है। तो चलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ठीक है नोमेनक्लेचर तो किए, लेकिन कोई सेट ऑफ रूल तो होगा कि जिसके का जिसको ध्यान में रखते हुए हम नाम नामकरण करें, नाम लिखें या स्पेल करें। ठीक है, तो मतलब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो अब इसमें पहला रूल क्या है, तो इसमें जो सबसे पहला नेम है कि वो लैटिन में लिखा जाता है, बायोलॉजिकल नेम्स, बायोलॉजिकल नेम
आर जनरली जनरली इन लैटिन, ये लैटिन में रहता है, एंड और ये लिखा कब रहता है, ये लैटिन में रहता है और लिखा कैसा रहता है, तो इटैलिक्स बुक में देखिएगा हर हमेशा इटैलिक्स में ही लिखा हुआ रहेगा, तो लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। तो यहाँ पर दो टर्म आ गया, क्या है, एक तो लैटिन में रहेगा और वो इटैलिक्स में प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा, बुक के फॉर्म में। अगर आप लिखिएगा तो क्या करिएगा, हाथ से हैंड राइटिंग करिएगा, तो हैंड राइटिंग में इटैलिक्स लिखिए या ना लिखिए, बट वो दोनों टर्म्स जो रहेगा, एक जेनरिक नेम एक स्पेसिफिक नेम, वो सेपरेट लिखेगा एंड सेपरेटली अंडरलाइन होगा। चलिए अच्छा, तो एक लैटिन के बारे में जानते हैं क्या ये किस टाइप का लैंग्वेज है। दिस इज ए डेड लैंग्वेज, ये डेड लैंग्वेज है, लैंग्वेज बोला जाता है कि डेड लैंग्वेज है, किस बेसिस पर बोला जाता है पता नहीं। चलिए तो हम लोग दूसरा जो सेट ऑफ रूल की बात करेंगे, तो अब इसमें क्या रहेगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, तो दो नाम रहेगा, तो इसमें फर्स्ट वर्ड विल बी जीनस रहेगा, ठीक है, एंड सेकंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट्स, ठीक है, तो एक हो गया जीनस और एक हो गया स्पेसिफिक एपिथेट्स। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या दिमाग में रखने वाली बात है कि जब आप हाथ से लिखते हैं तब, यानी बोथ वर्ड व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, सभी चीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन, और अगर प्रिंटेड है तो प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट को बोला जा सकता है, जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट वर्ड इज डिनोटेड एज जीनस, अब जो जीनस लिखेंगे उसमें कैपिटल लेटर से हम लोग लिखेंगे, तो फर्स्ट वर्ड विच इज डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, ठीक है, जबकि व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट्स स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया कि जो पहला वर्ड जीनस रहेगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट्स रहेगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होएगा। अब देखिए इसी में अब एग्जांपल समझिए कि एक जैसे एग्जांपल अभी हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, एक आम के बारे में डिस्कशन किए थे, ठीक है। चलिए तो हम इसको डिलीट करते हैं, इसको समझिए कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मैंजी फेरा इंडिका। देखिए अब इसमें क्या है, ये बॉटनिकल नेम है क्योंकि आम का पेड़ है, कॉमन नेम इसका क्या है, कॉमन नेम इज मैंगो का ये कॉमन नेम है। तो अब देखिए हम लोग क्या बोले कि ये अगर हाथ से लिख रहे हैं, ये हम क्या लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो इसका हम लोग क्या बोले कि ये अगर हैंड रिटन है तो जो पहला वर्ड ये क्या हो गया, दिस मैंजिफेरा इज द जीनस, ये जीनस हो गया,
एंड दिस इंडिका इज द स्पेसिस या स्पेसिफिक स्पेसिफिक इपिफेट्स हो गया, यही हो गया, यानी स्पेसिस बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया और ये जीनस हो गया। तो जीनस का जो पहला वर्ड क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, कैपिटल। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल है कि नहीं, कैपिटल है, मैंजिफेरा का एम इज अकर इन द कैपिटल लेटर। वहीं पर स्पेसिफिक एपिथेट्स के बारे में क्या बोले कि ये जो स्टार्ट होगा तो इसका जो पहला वर्ड रहेगा, पहला लेटर रहेगा, दैट विल बी इन द स्मॉल लेटर्स। यहाँ पर आई स्मॉल लेटर्स है, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में देखने को मिल रहा है। क्या बोले थे और कि अगर ये हाथ से लिख रहे हैं तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जैसे अगर आपके ये मेंजिफेरा इंडिका आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है बहुत बार, याद रखिएगा। तो अब क्या है कि जैसे मान ली कि हम सिंपली लिख दें मेंजिफेरा इंडिका, या लिख दें मेंजिफेरा इंडिका, या लिख दें मेंजिफेरा इंडिका, या लिख दें मेंजिफेरा इंडिका। अब बतलाइए कि इसमें सही कौन सा है, ये इस तरीके से पूछा हुआ है, इस तरीके से पूछा कि विच वन इज करेक्ट। अब देखिए हम लोग रूल क्या क्या है, तो फर्स्ट लेटर दैट इज जीनस, ये हमारा हो गया जीनस पूरा का पूरा, और ये हो गया स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एपिथेट्स हो गया। तो अब क्या है कि जीनस का जो पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में है, ये तो सही है, लेकिन स्पेसिफिक वाले का कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर कैपिटल लेटर है इसलिए ये गड़बड़ है। फिर देखिए यहाँ पर जीनस में स्मॉल लेटर आ गया, ये गड़बड़ है, यानी ये खत्म हो गया। फिर थर्ड पॉइंट में देखिए जीनस का कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये सही है, स्पेसिफिक का स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ये सही है, ये सही है। फिर इसका जीनस का स्मॉल लेटर है, ये गड़बड़ है, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और अगर ये तो प्रिंटेड फॉर्म में रहा, और प्रिंटेड फॉर्म में रहा तो ये इटैलिक्स में रहेगा, और जब अगर आप कॉपी पर लिखेंगे तो मेंजिफेरा इस तरीके से लिखेंगे, मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है, और इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। इसको अगर एक साथ अंडरलाइन कर दिए तब भी ये गड़बड़ है, इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अब क्या, तो ये इससे क्या हो गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, एक नेम ये है, दूसरा नेम ये है। लेकिन कभी कभार कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं अपना नाम भी ऐड कर देते हैं, अपने नाम का भी कुछ लेटर्स उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका किसने खोजा है, कैरोलस लिनियस ने इसको आइडेंटिफाई किया, नोमेनक्लेचर किया, तो उन्होंने अपना नाम भी ऐड कर दिया। कैसे, तो मेंजिफेरा इंडिका, और अब उनका नाम क्या है, कैरोलस लिनियस, तो वो क्या इसमें ऐड कर दिए, लिन, अपने नाम का दो चार वर्ड यहाँ पर ऐड कर दिया, और उनका नाम जो स्टार्ट रहेगा दैट विल बी इन द कैपिटल फॉर्म। तो ये क्या हो गया, इस कंडीशन में ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पेसिस या स्पेसिफिक एपिथेट्स, epithets, और ये जो lean है that indicates the scientific name, scientist name, indicates the scientist name, ठीक है, मतलब ये Carolus Linnaeus के थ्रू identify किया गया है। ये बात समझ में आ गया, तो ये मेंजिफेरा इंडिका को किस तरीके से लिखा जा सकता है, ये बड़ा important है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब हम लोग क्या बोल दिए कि ये तो हम लोग नॉर्मली कॉमनली क्या बोल रहे हैं, दो नाम से इंडिकेट करें, इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोल देते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एनिमल्स को कि जो दोनों नेम है, यानी जीनस नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट्स नाम है, उन दोनों को एक ही लेटर, एक ही वर्ड से डिफाइन किया गया है, तो उस यानी जीनस और स्पेसिफिक आर सेम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टॉटोनिम्स बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, देखिए क्या बोल रहे हैं कि इफ
both, if both generic name and specific name are same, then it is called टोटोनिम्स। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट अभी तक में देखा गया है, शायद 2009 से पहले एक बार ये टर्म पूछ दिया है नीट में, इसलिए ये इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोले कि वैसा एनिमल्स या वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम हो, एज फॉर एग्जाम्पल कतला कतला। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जेनेरिक नेम में भी ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पर जो स्पेसिफिक नेम है ये स्मॉल से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखें कि कतला कतला इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कतला फिश, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम ये दोनों सेम है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे नेमिंग को हम लोग टोटोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम लोग बात कर लिए, नोमेनक्लेचर की बात कर लिए। अब नोमेनक्लेचर करेंगे यानी किसी को नाम देंगे तो उसको क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा, अलग अलग कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जो भी अगर नाम दिए, जैसे लेट सपोज मान ली कि हमको ग्रीन कलर का लीफ दिखा तो मतलब इसको प्लांट के कैटेगरी में रखेंगे, और जिसके पास ग्रीन नहीं है और जिसके पास मूविंग एबिलिटी है मतलब उसको एनिमल के कैटेगरी में रखेंगे। कैटेगरी मतलब उसको क्लासिफाई करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो क्या बोल दिए कि क्लासिफिकेशन का मतलब, यानी यहाँ पर क्लासिफाई करना शुरू कर देंगे, तो क्या बोल रहे हैं कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम easily discoverable character। ठीक है, यानी अगर मान ली कि क्या बोल रहे हैं, पत्ता देखे, लीफ देखे ग्रीन, तो उसको प्लांट कैटेगरी में डाल दिए, और जो मूव करे उसको एनिमल कैटेगरी में, मतलब हमको साफ साफ विजुअल है कि उसमें लीफ ग्रीन है तो वो प्लांट हो जाएगा, जो मूव कर रहा है अपने आप उसमें मूवमेंट शो कर रहा है तो उसको हम लोग एनिमल की कैटेगरी में रखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली डिस्कवरेबल कैरेक्टर, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब इस कैटेगराइजेशन के लिए एक साइंटिफिक नेम या साइंटिफिक टर्म दिया गया है, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड द टैक्सा। ठीक है, उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। तो क्या बोले कि द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज कॉल्ड द टैक्सा। अब ये जो टैक्सा टर्म यहां पर आया, दिस टैक्सा इज ए प्लूरल फॉर्म, लेकिन अगर इसका सिंगल टर्म क्या आएगा तो दैट इज कॉल्ड द टैक्सोन, दिस इज सिंगुलर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बोले कि किसी कैटेगरीज का जो साइंटिफिक नेम है उसको टैक्सा बोल रहे हैं या टैक्सोन बोल रहे हैं। इसका मतलब कि टैक्सोन जो इंडिकेट कर रहा है, डिफरेंट कैटेगरीज लेवल को इंडिकेट कर रहा है।
क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्सा टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल के कैटेगरी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को, यानी जो कैटेगराइजेशन जो प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी बोलते हैं। मतलब कि दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ये जितने भी टर्म आ रहे हैं, टैक्सोन, टैक्सा, टैक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर, ये आपके बोर्ड में पूछ सकता है। बाकी आपके इसके हर एक टर्म पर, यहाँ पर जो टैक्सा और टैक्सोन, ये सिंगुलर और प्लूरल पर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीच का क्वेश्चन। हाँ, ये भले ही है कि ये 2009 और 2005 से पहले कहीं पूछा हुआ है, बट पूछा हुआ तो है, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं कि ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी क्या बोले कि द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो अब एक और टर्म आता है, सिस्टेमिक क्या होता है, सिस्टमैटिक क्या होता है, यानी सिस्टमैटिक वे में हम लोग को, यानी क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कोई मूव कर रहा है तो एनिमल हो गया, ठीक है। तो एनिमल में भी अब वो चार पैरों पर मूव कर रहा है कि दो पैरों पर मूव कर रहा है, उसके पास टेल है कि नहीं है, यानी किसी भी कैटेगराइजेशन को, किसी भी एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो हम लोग को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक वे में। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिस्टमैटिक्स बोल देंगे, सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक का मतलब क्या बोले, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जब सिस्टमैटिक ऑर्गेनिज्म रहेगा तो इसमें कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, लैटिन वर्ड चाहिए स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये सिस्टमैटिक टर्म दिया किसने है, तो दिस इज गिवन बाय लिनियस, लिनियस साहब ने इसको दिया सिस्टमैटिक टर्म्स, ठीक है। अच्छा, ये एनसीईआरटी के बाहर की बातें हैं। अब जो हम एक और लाइन बताने जा रहे हैं, जो सिस्टमैटिक लिनियस ने दिया है, ये टर्म याद रखिएगा, लिनियस, दैट इज गिवन बाय लिनियस। लेकिन यहीं पर एक जो सेकेंड टर्म आया, दैट इज कॉल्ड दी न्यू सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। अब ये न्यू सिस्टमैटिक क्या है, न्यू सिस्टमैटिक, सबसे पहली बात, ये न्यू सिस्टमैटिक दिया किसने, तो दिस इज गिवन बाय बॉन हक्सले, जूलियस बॉन हक्सले इसको बोलते हैं, बॉन हक्सले, ठीक है। अब ये क्या बोले इन्होंने न्यू सिस्टमैटिक में कि ठीक है, ढेर सारे डिफरेंट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको कैटेगराइज करेंगे, बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है ना, आपस में रिलेशनशिप कैसा है, उस चीज को इस टर्म के थ्रू उन्होंने डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड द न्यू सिस्टमैटिक्स। क्या बोल रहे हैं कि इट इज, यानी न्यू सिस्टमैटिक इज यूज्ड टू नो द इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप अमंगस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में आपस में रिश्ता कैसा है, उसके बारे में स्टडी हम लोग नियो सिस्टमैटिक, नियो NEO है, नियो सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग याद करिए, टैक्सोनॉमी किसको बोले थे, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये एनसीईआरटी से बाहर है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो एनसीईआरटी से बाहर कहीं बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन जिस तरीके से, यानी द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी, और उसमें डिफरेंट सारा कैटेगरीज आता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द
टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है भाई, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज तो जितने भी, अब ये क्या बोल रहे हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज करना शुरू करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के आधार पर अगर सेपरेशन चालू करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि डिफरेंट सारे छोटे 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 पॉइंट्स को लेकर हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं, अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन किए, जैसे कि अगर चार पैरों पर चल रहा है तो वो जानवर हो जाएगा, दो पैरों पर चल रहा है तो इंसान हो जाएगा, चार पैरों में अगर उसके पूंछ प्रेजेंट है, बाल उसमें ज्यादा प्रेजेंट है पूंछ में, तो वो हो जाएगा घोड़े के कैटेगरी में हो जाएगा, उसका मुंह इस तरीके से हो जाएगा, उसका कान इस तरीके से रहेगा, यानी छोटे छोटे कैटेगरीज में डिफाइन या कैटेगराइज किए। तो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो जो क्लासिफिकेशन है यानी क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन बीच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स रैंक और कैटेगरी। ठीक है, हर एक स्टेप एक या तो कैटेगरी रहता है या उसको रैंक बोलते हैं, और जिसको बोलते क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, और पूरे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को मिलाकर हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोल देते हैं, यानी यहां पर देते हैं ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, अब ये इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में आता क्या क्या है, अब उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो सबसे क्लियर कट पिक्चर आता है दैट इज कॉल्ड द स्पीशीज। तो सबसे जो बेसिक यूनिट होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का वो होता है स्पीशीज। तो इसको नीचे से हम लोग लिखेंगे स्पीशीज। ठीक है, अब स्पीशीज के ऊपर यानी डिफरेंट सारा स्पीशीज कुछ कॉमन कैरेक्टर शो कर रहे हैं तो वो बना देते हैं जीनस। ठीक है, और फिर कुछ कॉमन जीनस मिलकर एक फैमिली का निर्माण करते हैं, एक फैमिली हुआ, और फैमिली में फैमिली अब डिफरेंट फैमिली मिलकर एक ऑर्डर का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ऑर्डर के बाद होगा क्लास, और क्लास के बाद होगा फाइलम और डिवीजन। ठीक है, उसके बाद सबसे ऊपर होगा क्या, किंगडम। ये इसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की यानी टैक्सोनॉमी की हायरार्की बोलते हैं। क्लियर है, इसको क्या हम लोग बोल दिए, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, तो इसमें जो सबसे नीचे में क्या देख रहे हैं, स्पीशीज है, और ये रियल है, रियल कहने मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं तो उसके बेसिक पैरामीटर्स, उसके पूरे मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं और साथ साथ एनाटॉमिकल स्टडी कर सकते हैं, तो ये रियल है। बट इसके बाद क्या देखेंगे कि कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टर डिफरेंट स्पीशीज में देख रहा है तो उसको हम लोग जीनस बोल देंगे, फिर कुछ डिफरेंट जीनस मिलेगा तो फैमिली बोल देंगे, फिर इसी तरीके से वो क्लास ऊपर चलता हुआ चलता है और सबसे ऊपर में कैटेगरी में आता है दैट इज कॉल्ड द किंगडम। तो हम लोग जानते हैं क्या कि हम लोग जैसे लास्ट ईयर पढ़े हैं या लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं कि प्लांट किंगडम होता है एंड एनिमल किंगडम होता है, ये बात किए थे प्लांट और एनिमल किंगडम।